मैं मसा केटा को लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ी खबर, जो कि है बिग बॉस के घर से, जहाँ पर एक ऐसा टास्क दिया जा रहा है जिसकी उम्मीद और जो अभी तक बिग बॉस के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। उससे पहले दिल से दरखास्त है कि इस बड़ी खबर को अपनी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह पे इस बड़ी खबर को फैला दो, शेयर कर दो, ताकि लोग इस बड़ी खबर के बारे में जान सकें। और चैनल को इसी वक्त करते चलो सब्सक्राइब ताज़ा खबरों को सबसे पहले जानने के लिए। अब बात करते हैं बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर बिग बॉस सीजन 13 में एक ऐसा टास्क कराया जा रहा है जिसकी उम्मीद हम सब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। यानी कि बिग बॉस के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बिग बॉस में जो लोग हैं, यानी कि जो सदस्य हैं, उनके सामने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जी हाँ, यहाँ पे पत्रकार उनसे पूछेंगे सवाल। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे तीन लोग जो हैं वो काफ़ी चर्चा का विषय बन चुके हैं। पहला है रश्मि, दूसरा है आसिम और तीसरे हैं सिद्धार्थ। यानी कि जो जो सवाल वो लोग पूछे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी बात यह है कि सबसे पहला सवाल पूछा गया रश्मि से कि क्या आप अरहान खान के साथ, जब ये घर से बेघर हो जाएंगी, तो क्या आप उनके साथ शादी कर लेंगी। तो इस पे रश्मि का कहना था कि नहीं, अब मैं उनसे शादी ज़िंदगी में नहीं कर सकती, अब मेरा उनसे कोई भी वास्ता नहीं है और मैं उनसे कर रही हूँ आज के बाद ही ब्रेकअप। ऐसा कहना था रश्मि देसाई का। इसके बाद सवाल पूछा गया आसिम से और कहा गया कि जब आपने हिमांशी को किया था प्रपोज, तो उससे पहले क्या आपको ये बात पता थी कि आपकी जो GF हैं वो बाहर इंतज़ार कर रही हैं। इस पर आसिम पलट गए और कहते हैं कि मेरी कोई भी GF नहीं है। और यही सवाल पूछा गया सिद्धार्थ से कि आपकी GF जो है वो बाहर इंतज़ार कर रही है, कैसा लग रहा है आपको। तो आसिम सिद्धार्थ कहते हैं कि मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों।